देख रहे हैं केवल सच। बिहार पुलिस मुख्यालय से नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तीन महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज वार्ता करेंगे। सबसे पहला मुख्य विषय है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से संबंधित, दूसरा है ऑपरेशन प्रहार में जो उपलब्धि हुई है, और तीसरा मुख्य विषय है जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध हमारे यहाँ लगातार अभियान चल रहा है, उसमें सात मुख्य जो हमारी उपलब्धियां उसका हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम अर्थात मानव व्यापार निरोधक मामले और बाल श्रम से संबंधित मामलों पर किस तरह से पुलिस मुख्यालय के कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग तथा जिनों की पुलिस लगातार काम कर रही है, मुख्यालय लेवल से इन सब मामलों का अनुश्रवण किया जाता है और सफल मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है जिसके तहत छापामारी और ऐसे लोगों को बरामद कर प्राथमिकी अंकित कर अनुसंधान किया जाता है। तो हमारा जो सफल मुक्ति अभियान है उसमें हम लोग किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आपको हम बताना चाहते हैं। वर्ष 2020, 21, 22 और 23 तक का मई तक का आंकड़ा हमारे पास में है, तो मैं सिलसिलेवार चलता हूं और आपको बताता हूं। पुलिस के द्वारा कुल प्राथमिकी दर्ज की गई 2020 में 75, 21 में 111, 22 में 260 और मई 2023 तक 74 प्राथमिकी इन दो विषयों से संबंधित दर्ज की गई। इसमें मुक्त कराई गई महिलाओं की संख्या की बात करें तो 2020 में 102 महिलाएं, 2021 में 149 महिलाएं और 2022 में 252 महिलाएं मुक्त कराई गई और मई तक 66 महिलाओं को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए पुरुष की अगर हम बात करें इस पूरे अभियान में तो 2020 में 79, 2021 में 235, 2022 में 499, काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई और 2023 के मई तक 165 पुरुषों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से हम लोगों ने मुक्त कराया। गिरफ्तार मानव तस्करों की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 247 अभियुक्तों को, मानव तस्करों को हम कह सकते हैं जो अपराधी जिस मामलों में प्रकाश में आए उनको गिरफ्तार किया, 2021 में 331 लोगों को गिरफ्तार किया, 2022 में 560 लोगों को गिरफ्तार किया और 2023 के मई तक 94 मानव तस्कर से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया। 2018 से अगर हम आंकड़ा लेते हैं पिछले 5 सालों का कंबाइंड आंकड़ा, तो 2018 से 2023 मई तक का 5 सालों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से संबंधित कुल पुलिस का कार्रवाई में 753 FIR दर्ज की गई, 714 महिलाएं, 1780 पुरुष और 1794 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके लिए लगातार अपराध अनुसंधान विभाग के कमजोर वर्ग प्रभाग के द्वारा समय समय पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड और चाइल्ड लेबर से संबंधित प्रशिक्षण, वेबिनार, कार्यशाला सब लगातार आयोजित किए जाते हैं। अप्रैल से मई में भी जिला स्तरीय जो हमारी इकाइयां काम करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वो जिलों में बनी हुई है, उनके पुलिस पदाधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। जिला मुख्यालयों में 15 दिन का स्पेशल स्किल डेवलपमेंट और इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन संबंधी प्रशिक्षण चलाया गया जिसमें विभिन्न प्रकार से संबंधित कानून, मुक्त कराए गए बच्चों के साथ व्यवहार, कर्तव्य में संवेदनशीलता विकसित करने, मानव तस्करी तथा यौन शोषण के पीड़ितों के साथ विभिन्न डिपार्टमेंट एजेंसी के साथ समन्वय विकसित करने के संबंध में ज्ञानवर्धन किया गया। 21 जून 2023 को हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया पूरे स्टेट में, एक दिन में चलाया गया। उसमें चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन जो है, भीख मांगने या इससे रिलेटेड जो है, वो हम लोगों ने चिन्हित हॉटस्पॉट किया पहले, उसमें ऑपरेशन किया, 88 बच्चों को हमने इससे मुक्त करा। तो ये हमारी कमजोर वर्ग की जो हमारी मुख्य उपलब्धियां हैं उसको मैंने आपके सामने रखा। आज की वार्ता थी, सात मुख्य उपलब्धियां इधर हाल के दिनों में हुई हैं जिसमें हम लोगों ने अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की है, नक्सलियों की गिरफ्तारी की है या प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत अपराध करने से पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार किया।
सबसे पहली उपलब्धि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सारण के पानापुर थाना अंतर्गत 12 वर्षों से फरार चल रहे वांछित माओवादी उग्रवादी राजू सैनी उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में 3 कांड दर्ज। जमुई के खैरा में 11 जुलाई को फरार कुख्यात अंतर्राज्यीय नक्सली एवं अपराध कर्मी डीपी यादव उर्फ देवेंद्र यादव की खैरा थाना खैरा का रहने वाला वहां से गिरफ्तारी हुई। इसके विरुद्ध जमुई जिला अकेले में 10 कांड और झारखंड के गिरडी के तीसरी थाना में भी कांड दर्ज होने की सूचना है, जिसका हम सत्यापन कर। तीसरी मुख्य उपलब्धि गया जिले से है, जिसमें बांके बाजार थाना में 15 वर्षों से फरार नक्सली ओला परैया उर्फ रविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरुद्ध में रोशनगंज थाना में 2 कांड दर्ज होने की सूचना। चौथी उपलब्धि छपरा के परसा थाना में है, जिसमें डकैती की योजना बनाते हुए 7 अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और डकैती की पूरी प्लानिंग को विफल कर दिया। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर परसा थाना के ग्राम पचलख में पुलिस को जब सूचना मिली, लगातार वहां पर पहुंचकर तत्काल छापेमारी की गई, जिसमें अवैध आग्नेयास्त लूट की मोटरसाइकिलों के साथ 7 अपराध कर्मी, जिनके नाम है अमित कुमार, शहजाद अली, शहाबू अली, रंजीज उर्फ ढाका, दिलीप कुमार, विष्णु कुमार और रामबाबू राय, इन 7 अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 देशी कट्टा, जिंदा कारतूस 3, मोबाइल 4 और लूटी गई 3 मोटरसाइकिल वहां से बरामद कर ली। ये बड़ी किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, उसके पहले ही इस घटना को हमने विफल कर दिया। गोपालगंज के बरौली थाना में गृह भेदन के 18 कांडों का उद्भेदन एक साथ हुआ और 8 अंतर जिला चोर गिरफ्तार। ये उपलब्धि इस आधार पर हुई कि गुप्त सूचना पुलिस को मिली कि बरौली थाना के ग्राम देवापुर में कुछ अपराध कर्मी इकट्ठा हैं और वहां पर कुछ कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। उसमें 8 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्रों, मादक पदार्थों तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। जब इन गिरफ्तार अपराधियों से विशेषकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके द्वारा गोपालगंज में और साथ ही साथ सिवान जिला में करीब 18 कांडों का इनका इतिहास रहा है और 18 कांडों में इनके द्वारा एक कार्रवाई की गई। इस पूरे अभियान में 1 स्कॉर्पियो, कुछ गांजा, इसकी मात्रा स्पष्ट नहीं है, और देशी कट्टा 5 बरामद किए गए। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 8 अंतर जिला चोर गिरफ्तार हुए हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूंगा, राहुल कुमार, सुमेश दत्त, राजा बाबू, परवेज आलम, मंजीत कुमार, मोहन महतो, मोहम्मद फारूक और हिमांशु कुमार। ये 8 अंतर जिला चोर और 18 कांडों का उद्भेदन।